वजह से इन सबका जो है एस वो रिमूव हो रहा है, ये एक सर्टेन लॉजिक है। रूल नंबर 20 कह रहा है, रूल नंबर 20 कह रहा है इंग्लिश की किसी भी लाइन में आपको दिखाई दे रहा है हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, सेल्डम, नो सूनर, अंडर नो सर्कमस्टांस, इन नो वे, वन नो अकाउंट, ओन नो कंडीशन, ये वन नहीं है ये ओन है, ओन नो अकाउंट, ओन नो कंडीशन, एट नो टाइम। देखो हार्डली का मतलब बड़ी मुश्किल से, स्कैर्सली का मतलब बड़ी मुश्किल से, रेयरली का मतलब भी बड़ी मुश्किल से, सेल्डम का मतलब कभी कभी, नो सूनर जब तक नहीं, अंडर नो सर्कमस्टांसेस किसी भी तरह की कंडीशन में, इन नो वे किसी भी तरीके से नहीं, ऑन नो अकाउंट किसी भी तरीके से नहीं, ऑन नो कंडीशन किसी भी शर्त पे नहीं, एट नो टाइम बिल्कुल जीरो टाइम में, ये इन सारे शब्दों का है मतलब। इन सारे शब्दों का मतलब मैंने आपको बता दिया था, आप ध्यान से देखो क्या लिखा है। इनके साथ हमेशा इन्वर्जन का प्रयोग होता है। इन्वर्जन का प्रयोग होने का क्या मतलब है, बोर्ड पे नजर रखिएगा प्लीज। इंग्लिश के सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर फुल स्टॉप। जैसे आई एम डूइंग इट, ये एक सिंपल सेंटेंस है। सब्जेक्ट के बाद जहां जहां वर्ब आएगी वो सिंपल है। अब इसी को हम पलट दें, हेल्पिंग वर्ब आगे सब्जेक्ट पीछे, अब क्वेश्चन मार्क लगेगा, यानी एम आई डूइंग दिस। इन दो स्ट्रक्चर से हमारा बच्चा वाकिफ होता है। इन्वर्जन तीसरे स्ट्रक्चर को कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं तीसरे स्ट्रक्चर को, जहां सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगता, वो फुल स्टॉप होता है। ये तीसरा स्ट्रक्चर है जिसे हम इन्वर्जन कहते हैं, यानी स्ट्रक्चर पलट तो गया है पर जो आपकी सेंस है वो क्वेश्चन की नहीं आती, क्वेश्चन नहीं लगता वो। कैसे, मैंने कहा Hardly does she help me, बड़ी मुश्किल से ही वो मेरी मदद करती है। तो ध्यान से देखो, she subject है, does helping verb है, subject से पहले आई हुई है लेकिन फिर भी question mark नहीं है। इस structure का नाम English में है inversion, इस structure का नाम English में है interrogative, और इस स्ट्रक्चर का नाम इंग्लिश में है सिंपल। तो हम सिंपल का ज्ञान रखते हैं, हम इंटेरोगेटिव का ज्ञान रखते हैं, यहां पे हम बात कर रहे हैं इन्वर्जन की। तो पहली बात तो ये सीखनी है, जहां पे भी इन्वर्जन आएगा सब्जेक्ट बाद में वर्ब पहले, दूसरी बात क्वेश्चन मार्क कभी भी नहीं आएगा। तो ये रूल यही तो कह रहा है, ये शब्द जहां भी दिखे ना स्ट्रक्चर इन्वर्जन होगा, ये शब्द जहां भी दिखेंगे इन्वर्जन का उपयोग होगा। और इन्वर्जन का मतलब क्या है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। देखो एग्जाम्पल से देखते हैं बेटा, ये देखो आइए, अब ये कह रहा है हार्डली शी डज, जबकि हमारा रूल कह रहा था जहां भी हार्डली दिखेगा ना आपको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगानी है, आपको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगानी है, यानी सही सेंटेंस होगा Hardly does she, बस इतना ही करना है। वो शब्द याद रखने हैं और वो शब्द जहां भी दिखेंगे, रट्टा नहीं मारने, प्रैक्टिस से याद करा दूंगी, घबराओ मत, अभी बैच शुरू हुआ है। वो शब्द याद रखने हैं और इन्वर्जन को फॉलो करना है। सेल्डम आई हैड लिख दिया, जबकि सेल्डम इन्वर्जन लेता है यानी पलटना होगा, हैड आए। नेवर इन्वर्जन लेता है यानी पलटना होगा, डज शी। इसी तरीके से स्कैर्सली इन्वर्जन लेता है, पलटना होगा, डेड दे, डेड दे। इसी तरीके से इन नो वे भी इन्वर्जन लेता है तो पलटना होगा, विल आए। ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, काफी मुश्किल एग्जाम्स में एग्जामिनर इनका इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो आप इन शब्दों को याद रखने की कोशिश करिए, काफी बढ़िया रूल है। अगर आप में से कोई हरियाणा के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है या किसी भी स्टेट लेवल के पेपर की तैयारी कर रहा है तो उसमें ये रूल ज्यादातर बार आपको दिखाई देता है। ये रूल क्या कह रहा है, इंग्लिश की लाइन में हमें एंड दिखेगा, एंड के आगे भी एडजेक्टिव होगा और एंड के पीछे भी। एडजेक्टिव होता है भाई विशेषण, एडजेक्टिव होता है विशेषण, और विशेषण कौन होता है, जो नाउन या प्रोनाउन में कुछ ऐड करे।
विशेषण कौन है जो नाउन या प्रोनाउन में कुछ ऐड करे। अब नाउन प्रोनाउन क्या है? नाउन यानी किसी भी चीज का नाम, और प्रोनाउन यानी नाम के स्थान पे आने वाले शब्द। नाउन यानी किसी भी चीज का नाम और प्रोनाउन यानी नाउन के स्थान पर आने वाले शब्द। तो ऐसे शब्द जो नाउन में कुछ ऐड करें या ऐसे शब्द जो प्रोनाउन में कुछ ऐड करें उन्हें इंग्लिश क्या कहती है? एडजेक्टिव कहती है। ठीक है, हर वो चीज जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे। हम कह रहे हैं वो एक लड़का है और वो एक अच्छा लड़का है, तो लड़का नाउन है, अच्छा एडजेक्टिव बन गया। वो एक बुरा लड़का है तो लड़का नाउन है, बुरा एडजेक्टिव हो गया। समझ गए? तो नाउन या प्रोनाउन में जो ऐड करे उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। अब ये नियम क्या कह रहा है? एंड के आगे भी एडजेक्टिव होगा और एंड के पीछे भी। एंड के आगे भी एडजेक्टिव होगा और एंड के पीछे भी। ध्यान से सुनना, बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं और ये स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स में जो है आता रहता है, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा प्लीज। एंड के आगे भी एडजेक्टिव, एंड के पीछे भी। एंड के आगे भी एडजेक्टिव, एंड के पीछे भी एडजेक्टिव। अभी क्या हो रहा है? एडजेक्टिव के पीछे जो नाउन है ना वो अनकाउंटेबल है। मैंने क्या बोला? एडजेक्टिव उसको बोलेंगे जो नाउन को मॉडिफाई करे या प्रोनाउन को। तो ये एडजेक्टिव भी मॉडिफाई तो कर रहा है पर किसको? सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन को। ये रूल कह रहा है जब एंड की मदद से दो एडजेक्टिव दिखे ना, आगे भी पीछे भी, और उनके पीछे तुम्हें दिखाई दे अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है उन चीजों के नाम जिन्हें गिना नहीं जा सकता, उन चीजों का नाम जिन्हें मापा नापा या तोला जाता है, उन चीजों का नाम जिन्हें ना गिनते हो ना मापते हो ना नापते हो ना तोलते हो, जैसे अंग्रेजी के प्रति तुम्हारा प्यार है ना। गिन थोड़ी सकते हो 5 प्यार करता हूं इंग्लिश से, 500 ग्राम प्यार करता हूं इंग्लिश से, है ना, 5 सेंटीमीटर प्यार करता हूं इंग्लिश से, ऐसा संभव थोड़ी है। गिन नहीं सकते हो प्यार को, माप भी नहीं सकते हो, तो अनकाउंटेबल है। जबकि दुकान से चावल चीनी खरीद के लाते हो, किलोग्राम में लाते हो, है ना, तो वो भी अनकाउंटेबल है क्योंकि गिन थोड़ी रहे हो, माप रहे हो, माप रहे हो। देखो बेटा, अनकाउंटेबल यानी गिन नहीं सकते या माप सकते हैं या इन दोनों में से कुछ नहीं कर सकते, ना गिन सकते हैं ना नाप सकते हैं। इन तीनों में से जितने भी एग्जांपल्स फिट होते हैं वो सब क्या हैं? अनकाउंटेबल हैं। तो जिसे गिन नहीं सकते, पानी गिन नहीं सकते, पानी को गिनते थोड़ी है, आज मैंने 50 पानी पिए, कल तो मैं 250 पानी पीऊंगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो पानी को गिन नहीं सकते हम। अब पानी को गिन नहीं सकते पर नापते तो है ना लीटर में, तो गिन नहीं सकते अनकाउंटेबल है, नापोगे तो भी अनकाउंटेबल है। और तीसरी बात क्या है इसमें? ना गिन रहे हैं ना नाप रहे हैं, जिसमें मैंने कहा अंग्रेजी के प्रति आपका प्यार है, है? सफलता ना मिलने से होने वाला दुख नाप थोड़ी सकते हो, दुख की भावना को, प्यार की भावना को, खुशी को, गम को नाप थोड़ी सकते हो। तो ऐसी चीजों के नाम जिन्हें नापा नहीं जा सकता वो भी क्या है? अनकाउंटेबल है। तो जहां भी हमें, हाँ मिल्क वुड सब अनकाउंटेबल है, क्वालिटी बताए अनकाउंटेबल है, इतना इतना भड़क लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल करो इंग्लिश को ना, नॉर्मल तरीके से समझो। ये किताब वाली भाषा में हम घुसते हैं ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। नॉर्मल तरीके से समझो, साधारण भाषा में समझो। हिंदुस्तान के लोग हैं भाई हम, तो हमें जो अंग्रेजी है वो अपने तरीके से सीखनी है, अंग्रेजों के तरीके से नहीं सीखनी है ना। तो समझो मेरी बात ध्यान से। गिन नहीं सकते अनकाउंटेबल, माप सकते हैं अनकाउंटेबल, ना गिन रहे ना माप रहे तो भी अनकाउंटेबल। अब नियम क्या कह रहा है ध्यान से सुनो। नियम कह रहा है एंड की मदद से दो एडजेक्टिव जुड़े पर नाउन हो पीछे अनकाउंटेबल तो भी वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। मैंने तो भी क्यों बोला? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब लेते हैं, वॉटर इज, मिल्क इज, फूड इज, समझे? अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब लेते हैं, पर अगर उसके आगे एडजेक्टिव अटैच हो गए तो वर्ब कैसी हो जाएगी? प्लूरल। तभी तो पेपर में आ रहा है, तभी तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तभी तो नंबर कटा रहे हैं ना भाई। तो एंड की मदद से एडजेक्टिव जुड़े और पीछे कौन आ गया? अनकाउंटेबल नाउन, तो वर्ब सिंगुलर नहीं। जब भी आपका अनकाउंटेबल नाउन के पहले दो एडजेक्टिव आ जाएंगे, देखो एग्जाम्पल से, देखो एग्जाम्पल से, देखो क्या लिख रहा है? इंडियन एंड युगेडियन शुगर। शुगर अनकाउंटेबल नाउन है पर फिर भी उसके आगे दो एडजेक्टिव हैं, तो वर्ब आएगी प्लूरल। ये तो सही है। गुड एंड बैड टेस्ट, टेस्ट के साथ बच्चा जचाएगा ना तो इस जचाएगा, टेस्ट के साथ जचाएगा तो क्या जचाएगा? इस जचाएगा, जबकि आगे दो एडजेक्टिव बैठे हैं तो आर बिल्कुल सही है। अगला देखो, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। अब बच्चे क्या सोचेंगे? फ्रीडम, फ्रीडम गिन थोड़ी सकते हैं, इज लगाओ,
जबकि क्या कह रहा है आगे एडजेक्टिव बेटा है भाई, तो वह बार तो बिल्कुल सही है। तो ये रूल में गलती क्यों होती है बेटा, क्योंकि हमारा बच्चा शुगर के साथ हैज को जचाता है, उसको लगता है शुगर तो सिंगुलर है, वो भूल रहा है कि स्ट्रक्चर कह रहा है अनकाउंटेबल नाउन अगर दो एडजेक्टिव्स और एंड के साथ आएगा तो वर्ब कैसी लेगा, प्लूरल। रूल नंबर 22 पे आ जाओ, बड़ा ही मस्त रूल है ये भी, बहुत बढ़िया रूल है, ध्यान मेरी तरफ रखना नहीं तो चूक जाओगे। नो के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, अगर नो शब्द के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। ये क्यों पढ़ा रही हूं, देखो एग्जामिनर ने लिखा नो बॉयज आर होगा, एग्जामिनर ने लिखा नो बॉय इज होगा। अब तुम्हें लग रहा होगा मैम ये तो बड़ी आसान सी बात है, पढ़ के ही समझ में आ रहा है। नहीं, मैंने बहुत बच्चों को इसमें एक सेंस लगाते देखा है कि नो बॉयज लिख दिया मैम, एक भी लड़के की बात नहीं हो रही इसलिए इज लगा दो, एक भी लड़के की बात नहीं हो रही इसलिए इस लगा दो। हमारा बच्चा तो ऐसे भटक जाता है चीजों में, है ना, जबकि नो के साथ जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, नो के साथ जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, नो के साथ जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, नो के साथ जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। तो बेसिकली हमें कुछ नहीं करना है, हमें सब्जेक्ट को देखना है वर्ब लगानी है, हमें सब्जेक्ट को देखना है वर्ब लगानी है, नो की हिंदी नहीं बनानी है। हमारा बच्चा सोचता है नो बॉयज यानी कोई भी लड़का नहीं है सिंगुलर कर दो, नहीं, अगर कोई भी लड़का नहीं है तो भी तो धरती पे बहुत लड़के हैं भाई। अगर आप कह रहे हो कोई भी लड़का नहीं है यानी कि धरती पे जितने भी लड़के हैं ना वो सारी लड़कियां हैं, सेंस कितनी खराब हो जाएगी सेंटेंस की, है ना। नो बॉयज भाई फिलहाल इनमें से नहीं तो और बतेरे लोग धरती पे बच गए ना, तो उस केस में ये प्लूरल ही रहेगा। नो के साथ प्रॉब्लम सिंगुलर है तो वर्ब आएगी सिंगुलर, टीचर्स प्लूरल है तो वर्ब आ गई प्लूरल, बॉय सिंगुलर है तो वर्ब आएगी सिंगुलर, न्यूज सिंगुलर है अनकाउंटेबल कहते हैं वैसे इसे, वर्ब आएगी सिंगुलर। न्यूज बच्चे सोचते हैं प्लूरल है, अनकाउंटेबल की वजह से सिंगुलर है। गर्लफ्रेंड वर्ब आएगी सिंगुलर, ये तो मतलब एकदम दगाबाज सेंटेंस बना दिया भाई, नो गर्लफ्रेंड इज ऑनेस्ट, ऐसा कैसे हो सकता है, हैं ये तो बात ही गलत हो गई। रूल बिल्कुल सही है, तुम कंफ्यूज मत हो जाना, मैं मजाक कर रही हूँ। हाँ जी, गर्लफ्रेंड सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर। रूल नंबर 23, ये थोड़ा मुश्किल रूल है, आपको ध्यान मेरी तरफ रखना होगा। ये रूल कह रहा है जहां पे भी इन्फिनिटिव आए, अब आपको इन्फिनिटिव नहीं पता होगा, वैसे तो मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगी नॉन फाइनाइट्स का, उसमें आएगा ये, वैसे तो हम पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे नॉन फाइनाइट्स, उसमें ये आएगा, पर अभी फिलहाल के लिए इन्फिनिटिव का स्ट्रेट अवे मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म, या तो अकेली या टू के साथ। फिलहाल के लिए आपको पता होना चाहिए इन्फिनिटिव का सीधा सीधा मतलब है या तो अकेली फर्स्ट फॉर्म या टू के साथ। जीरंड का मतलब होता है किसी भी वर्ब पे आईएनजी जो नाउन बन गया, किसी भी वर्ब पे आईएनजी जो इज इक्वल टू सेंटेंस में किसका काम करने लग जाता है, नाउन का। जैसे मैं बोलूं टीचिंग इज माय हैबिट, टीचिंग इज माय हैबिट, टीचिंग इज माय हैबिट, टीचिंग इज माय हैबिट, तो मेरी हैबिट का नाम है टीचिंग। टीचिंग इज माय पैशन, मेरे प्यार का नाम है टीचिंग। टीचिंग इज माय प्रोफेशन, मेरे काम का नाम है टीचिंग। तो हर सूरत में मैं नाम की तरह इस्तेमाल कर रही हूँ टीचिंग को, तो जब आईएनजी नाम की तरह इस्तेमाल होने लग जाए, क्योंकि नाउन का मतलब किसी भी चीज का नाम, जब आईएनजी किसकी तरह इस्तेमाल होने लग जाए, नाम की तरह इस्तेमाल होने लग जाए, तो उसे हम कह देते हैं भाई जीरंड। उसे क्या कहते हैं बच्चों, जीरंड कहते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है WH फैमिली वर्ड्स, वाई व्हेन व्हाट हाउ वेयर व्हिच, ये हमारे WH फैमिली वर्ड्स हैं। इनको अगर कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह रखोगे ना तो वर्ब सिंगुलर आएगी, इनको अगर कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह रखोगे तो वर्ब सिंगुलर आएगी। मैं तब से क्या बोल रही हूं, टीचिंग इज माय हैबिट, कितनी बार बोला मैंने ये सेंटेंस, टीचिंग इज माय हैबिट। तो देखो टीचिंग के साथ मैं क्या बोल रही थी, इज बोल रही थी, क्यों, क्योंकि टीचिंग पे क्या लगा है भाई, आईएनजी लगा है और ये जीरंड है। ऐसी वर्ब जो सेंटेंस में नाउन बन जाए आईएनजी लगने के बाद उसी को तो जीरंड कहते हैं। तो ये तीनों जीरंड, इन्फिनिटिव या WH फैमिली वर्ड्स कहीं पे भी आएंगे सब्जेक्ट के तौर पे तो वर्ब आएगी सिंगुलर, वर्ब आएगी सिंगुलर। इन तीनों के साथ वर्ब आएगी सिंगुलर, इन तीनों के साथ वर्ब आएगी सिंगुलर, इन तीनों के साथ वर्ब कैसी आएगी सिंगुलर। और ये लो ये पांच क्वेश्चन है, पहचानो इसमें इन्फिनिटिव, पहचानो इसमें WH, पहचानो इसमें जीरंड और वर्ब को सिंगुलर कर दो। आइए अब मैं आंसर्स बताती हूं।
रूल बस इतना ही कह रहा था, जहां भी जीरण दिखे वर्ब सिंगुलर, जहां भी टू इन्फिनेटिव दिखे वर्ब सिंगुलर, जहां भी डब्ल्यू एच दिख जाए वर्ब सिंगुलर, फिर से डब्ल्यू एच दिख जाए वर्ब सिंगुलर, फिर से डब्ल्यू एच दिख जाए वर्ब सिंगुलर. व्हाट शी डू, डू नॉट हर्ट मी. सॉरी मैं नींद में हूं, माफ करना, प्लूरल बना दिया, सिंगुलर थी ये पहले से, ये सही है. व्हाट की वजह से ये डज बिल्कुल सही है, बाकी सब हमने सिंगुलर बना दिया. तो रूल नंबर 24 कह रहा है इंग्लिश की किसी भी लाइन में अ वैरायटी ऑफ दिखे. क्या दिखे? अ वैरायटी ऑफ, ए वैरायटी ऑफ अपने साथ सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को प्लूरल लेता है, क्योंकि ए वैरायटी ऑफ का मतलब होता है बहुत तरीके से, ए वैरायटी ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, ए वैरायटी ऑफ का मतलब होता है कई तरीकों से, है ना. तो इसमें से कोई भी तरीका आप अपनाएंगे तो ए वैरायटी ऑफ कह रहा है जी मेरे को तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों प्लूरल चाहिए. जबकि द वैरायटी ऑफ कह रहा है सब्जेक्ट तो प्लूरल चाहिए, ध्यान से सुनना, लेकिन वर्ब सिंगुलर चाहिए. सब्जेक्ट तो प्लूरल चाहिए, ए वैरायटी ऑफ यानी कि ए नंबर ऑफ. अंग्रेज हमें बेवकूफ बना रहे हैं बताओ सरेआम, सेम रूल है जरा सा बदल के कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे ही द वैरायटी ऑफ यानी द नंबर ऑफ पिछली क्लासेस में पढ़ा चुकी हूं ना, तो उससे कनेक्ट कर दो. ए नंबर ऑफ यानी बहुत सारे, तो सब्जेक्ट और वर्ब प्लूरल. द नंबर ऑफ यानी बहुतों में से एक, तो सब्जेक्ट प्लूरल पर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल पर वर्ब सिंगुलर. वेरी गुड. द वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट प्लूरल पर वर्ब सिंगुलर, ऐसे करना है. सब्जेक्ट प्लूरल तो सही है पर वर्ब होनी चाहिए सिंगुलर. द वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब सिंगुलर, ए वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब भी प्लूरल, और प्लूरल वर्ब होती है बिना एस या ईएस वाली. द वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट तो प्लूरल सही है पर वर्ब आएगी सिंगुलर, यानी कि इज होना चाहिए. ए वाइड रेंज ऑफ डिशेज, ये वही है, अ वाइड वैरायटी ऑफ ही है ये, वाइड लगा के कंफ्यूज कर रहा है, तो ए वैरायटी ऑफ ही. सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, ये तो सही है. ए वैरायटी या रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, अब ए वैरायटी ऑफ है तो प्लूरल होना चाहिए, एग्जिस्ट भी सही है और प्रोडक्ट्स भी सही है. तो चौथे और पांचवे में कोई एरर नहीं था, बाकी तीन मैंने आपको बता दिए.